हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। मैं आपका चरणजीत सिंह चहल आपके सामने आज फिर एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। रोल साउंड एक्शन। क्या आप लोग हेल्दी हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं कि वो हेल्दी हैं, बट मैं आज अंदर की बात करना चाहूँगा आपसे कि आप हेल्दी हैं कि नहीं हैं। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँ रिगार्डिंग टेस्ट, कि बॉडी के जो टेस्ट हैं वो हमें बिल्कुल टाइम टू टाइम कराने चाहिए। हमारे यहाँ आप इंडिया में देख लीजिए या फिर अपनी सोसाइटी में देख लीजिए, कितने लोग हैं जो टेस्ट फ्रीक्वेंटली कराते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कराते। वो तभी कराते हैं जब वो बीमार होंगे या जब उन्हें कोई बीमारी चिपक जाएगी, है ना। उनको अगर उनको लग गया, पता भी नहीं भी मैं अब गया, मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया मैं टेस्ट करूँगा। तो ऐसा है कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता यार। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो ना, तो आपको हर महीने में एक बार या फिर महीने में दो बार अपने टेस्ट कराने चाहिए। कितने पैसे लगते हैं टेस्ट करने में? 500 रुपये, 1000 रुपये एक टेस्ट कराने के, जिसमें आपको अपने लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, किडनी के हो गए, यूरिक एसिड हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। और इसमें आपको सब पता चल जाता है कि बॉडी में क्या वर्क कर रहा है और कहाँ वर्क कर रहा है। लोग ये नहीं कराते, छोटे छोटे टेस्ट हैं यार, क्या हो गया 500 रुपये आप वैसे ही खर्च देते हो यार, कहीं खाने पीने जाओ तो। एक अपने ऊपर अगर आपको खर्चने पड़ते तो आपको सोचना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ आपको करानी बहुत ज़रूरी है भी। कल को आपको इन फ्यूचर अगर आपको कोई चीज़ पकड़ने लगी कोई बीमारी, तो आप उसको लड़ सकें उससे। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में चल क्या रहा है। आज के टाइम में लोग कितने अनहेल्दी हैं, बाहर आप डाइट देखिए कितनी अनहेल्दी है, कितना पोल्यूशन है बाहर। तो लोग सोचते हैं कि हम बहुत फिट हैं यार, कि हम अगर हम तो सांस हमारी चल रही है तो हम फिट हैं बस, जिस दिन रुकेगी तभी उस दिन देखेंगे अभी कुछ क्या करना है। तो ऐसा नहीं है। तो आपके जो टेस्ट हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली हैं जो कराने चाहिए, और आप उसमें आपको पता चलता रहता है। जैसे मैं आप एग्जांपल ले लीजिए, अब जैसे कोई टेस्ट है अभी आपको, मैं अगर आपसे एक एग्जांपल एक बॉडी बिल्डर को लेके चले, बिकॉज मेरी वो लाइन है तो मैं ज़्यादा उसी के बारे में थोड़ा सा फोकस करता हूँ। मैं बॉडी बिल्डर्स का जो क्राइटेरिया होता है, बिकॉज मैं उनको भी आगे लेके आना चाहता हूँ। तो ऐसा है कि महीने में एक बार जो है मैं भी अपने सारे टेस्ट कराता हूँ, जिसके अंदर मैं अपना LFT कराता हूँ, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, किडनी के हो गए टेस्ट, हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड, शुगर एंड ऑल, ठीक है। सो मैं सारा कुछ मैं टेस्ट कराता हूँ, मेरे बॉडी के SGOT PT भी किस पे हैं, कितनी क्वांटिटी आप तो नहीं जा रहे, नीचे तो नहीं जा रहे, तो मैं उनको ग्रेजुअली ले आके बिल्कुल ठीक कर सकूं। अगर वो ज़्यादा हैं तो मैं कोई अपनी डाइट ड्रॉप करके उसको सिमेट्रिकल वापस लेके आऊं। तो मुझे पता होना चाहिए मेरी बॉडी में क्या चल रहा है। भी कल को लेटर ऑन जाके मुझे ये ना पता चले कि मेरे लीवर का साइज़ बढ़ गया यार, मुझे पता ही नहीं चला हुआ क्या मेरे साथ, है ना। तो ये यहाँ पे हमारे इंडिया में यही प्रॉब्लम है। लोग कब जाएंगे? जब वो 80% बीमारी से घिर चुके होते हैं, ठीक है। अब वो ये ना, जब बीमारी आती है ना तो वो पहले एक कोने से आती है, तो आप उसको उसी कोने में पकड़ लेंगे तो आपके पास 3 कोने होते हैं बचने के लिए, ठीक है। आप बीमारी को तब पकड़ते हैं जब आपके पास बचा ही एक कोना होता है, 3 पे तो बीमारी खड़ी होती है, भाग कहाँ भागेगा। क्योंकि जिससे आप एंटर करे हो वो एक ही दरवाज़ा खुला, बाकी 3 बंद है आपके लिए। तो मैं आपको समझाने की वही चीज़ है कि बीमारी को आने से पहले ही आप उसे पकड़ लें, और अपने जो टेस्ट हैं मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको वो चीज़ करानी चाहिए। वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, किसी और की लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज मैं आज आपको बताता हूँ कि जो आप हो ना, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो वो आपको देखना है कि आप अपनी फैमिली के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो, तो आपको एक हेल्दी लाइफ के लिए ज़िंदा रहना कितना ज़रूरी है अपनी फैमिली के लिए। ये वीडियो लेके आने का मेरा यही पर्पस था आपके लिए, कि आप जो है अपने बॉडी के टेस्ट हैं जो बिल्कुल प्रॉपर कराएं और एक फ्रीक्वेंटली कराते रहें, जिससे आपको अपनी हेल्थ का पता चलता रहे। तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लिंक दिया गया, उस पर जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और एंटरटेनमेंट वाली वीडियो मैं आपके लेके आता रहूँगा।